Please subscribe my YouTube channel and watch full video. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मैं अपने चैनल फातिमा फैमिली व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का मुरब्बा। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब बहन भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को मिलता रहे। तो आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने आज का व्लॉग स्किप बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना। मुझे आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि मेरे वीडियो को जो फुल वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो आम। तो मैं इनको अभी ना अच्छी तरह छील लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तीनों आम जो मैंने काट लिए हैं। तो अभी इनको अच्छी तरह धो लेते हैं, धो के इनका तैयार करते हैं मुरब्बा। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल बात करना है, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो जैसे पानी को उबाइल आता है तो फिर मैं इसके अंदर जो आम जो मैंने काट के रखे थे, ये देखिए इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, वो इसके अंदर ना मैं डाल दूँगी। तो ये देखें पानी में उबाइल आना स्टार्ट हो गया, ये देखें पानी में बुलबुले से बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आम, इनको कर लेंगे हम अच्छी तरह नरम। तो जब तक हमारे आम जो उबाइल होते हैं, तो मेरी अब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आम हमारे जो थे नरम हो गए थे, और इनको मैंने एक स्ट्रेनर में बाहर निकाल लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ चास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चास बनने के लिए मैंने रख दी है। और चास के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये वाली 1 प्लेट पानी की, और 1 प्लेट ही मैंने ये चीनी की इसके अंदर ऐड की है। तो अभी चास बना लेते हैं। तो ये देखें चास में जो तार बनना स्टार्ट हो गई है, इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद और पका लेती हैं। पकाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आम। इसको 5 मिनट ना हल्की आंच पे ना और पकने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आम का जो मुरब्बा है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं मुरब्बा जो हमारा बिल्कुल हो चुका है रेडी, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया प्लेट में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।